2020 का नया साल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के लिए भारी पड़ रहा है। सालों से चल रहे चारा घोटाले में लालू का नाम सुनने को मिला था, जिसके चलते लालू पे कई आरोप भी दर्ज हुए हैं। चारा घोटाले में लालू का नाम आने के बाद से ही लालू हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। बताया जा रहा है कि घोटाले के चलते जल्द ही लालू का बयान दर्ज किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक 94 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। अब भी करीब 20 लोगों के बयान बाकी हैं और लालू उन्हीं में से एक हैं। बता दें कि सीबीआई की इस घोटाले में 176 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की जा चुकी है। इस घोटाले में डोरांडा कोषागार में 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकास से जुड़े चारा कांड संख्या RC 47A/96 मामलों में वर्तमान में 114 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं। लंबे सालों की सुनवाई के चलते कई आरोपियों का निधन हो चुका है। बता दें कि सीबीआई की विशेष अदालत ने 20 मई 2019 को आरोपियों के बयान दर्ज किए जाने की तारीख निर्धारित की थी और तब से लेके अब तक ये बयान जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू के साथ साथ पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, पूर्व सांसद आर.के. राणा और पूर्व मंत्री विद्यासागर निषाद जैसे अहम लोगों के बयान अब भी बाकी हैं। LD News Room से भावना की रिपोर्ट।